हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए इंग्लिश। तो इसमें एनडीए में इंग्लिश का पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट का एक हिस्सा है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक जीएटी और एक मैथमेटिक्स। तो जीएटी का एक हिस्सा इंग्लिश होता है, पार्ट ए और पार्ट बी में से पार्ट ए इंग्लिश होता है। और जीएटी में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस केवल इंग्लिश से पूछे जाते हैं। और इस जीएटी का जो वेटेज है वो होता है 600 मार्क्स, यानी कि जो 900 मार्क्स रिटन एग्जाम्स के होते हैं, तो उस रिटन एग्जाम में 900 में से 600 मार्क्स केवल जीएटी से होते हैं। और उस जीएटी में भी 150 में से 50 क्वेश्चंस केवल इंग्लिश के होते हैं। तो अब इससे जो इसकी जो डिटेल्स हैं, यानी कि एग्जाम पैटर्न की डिटेल्स के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें केवल पैटर्न को डिस्कस किया गया है और कैसे अटेम्प्ट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह। यहाँ मैं केवल इंग्लिश का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, किस तरह से हमें रूल्स को फॉलो करते हुए और लॉजिक को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। केवल फीलिंग से नहीं करना है, फीलिंग्स और लॉजिक दोनों ही अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो केवल फीलिंग में कुछ चीज़ें हम गलत कर सकते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि हम कई बार ज़्यादा हम नेगेटिव मार्किंग करके आ जाते हैं, तो इसलिए फीलिंग्स के साथ में लॉजिक एंड रूल्स का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ आज मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट, जो पार्ट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पॉटिंग एरर्स। तो स्पॉटिंग एरर्स में आपको ये देखना होता है कि कौन सा पार्ट एरोनियस है, यानी कि कौन से पार्ट में गलती है, और अगर गलती नहीं है तो नो एरर आपका आंसर होता है। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ एक्चुअल में आपको ग्रामर के रूल्स अप्लाई करने होते हैं और थोड़ा सा लॉजिकली उनको इंटरप्रेट करते हुए हमें आंसर करना होता है। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको प्रॉपरली इसको एनालाइज करना है। ओपनिंग, रीडिंग, सेंडिंग, यानी कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों पार्ट्स जो हैं वो पैरेलल वर्क फॉर्म में चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो दिक्कत है वो है ऑप्शन सी में, जहाँ लिखा हुआ है ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम। तो आंसर्स विद देम यानी कि लेटर्स हो गया, विद देम का मतलब विद लेटर्स। तो अब लेटर्स के साथ कैसे आंसर्स डिक्टेट किए, तो इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पर होना चाहिए ही डिक्टेटेड आंसर्स टू देम, यानी कि लेटर्स के जो आंसर्स थे वो उसने डिक्टेट किए, और यहाँ हम कहें डिक्टेटेड आंसर्स फ्रॉम देम। अब फ्रॉम देम हम कहते हैं तो लेटर्स में से आंसर डिक्टेट किए ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए जो मोर अप्रोप्रिएट है वो होगा डिक्टेटेड आंसर्स टू देम, सी ऑप्शन। इसी तरह से सेकेंड देखें, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन इज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। अब इसमें भी ऑप्शन ए हमारा आंसर ऑप्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड ऐसा लिखा हुआ है, और ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ हैज ग्रोन, जबकि वॉज के हिसाब से यहां पर अगर हम देखें, या तो हम सी को चेंज करें या फिर ए को चेंज करें, तो हम यहां पर करेंगे ही इज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब अगर एग्जाम में इस तरह का दिया हुआ है
तो ये वैसे एरोनियस है, लेकिन अब जो फाइनल एग्जामिनेशन अथॉरिटी होती है उसी को हम करेक्ट मान सकते हैं। तो हम इसे कहेंगे कि ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, इसको हम चेंज कर देंगे ही इज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही इज ग्रोन प्राउड। तो ऐसा हो जाएगा। और दूसरे तरीके से हम देखें तो ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैड ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ऑल फ्रेंड्स। तो ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं लेटर पार्ट में। और जो बी पार्ट है, वैसे जो एग्जैक्टली होना चाहिए आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर करेक्ट सेंटेंस होता है। तो आप इसको थोड़ा सा, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझा रहा हूँ कि क्या इसमें करेक्ट हो सकता है और क्यों ये करेक्ट हो सकता है। जैसे हम कहें कि बिकमिंग अ ग्रेट मैन, तो बिकमिंग अ ग्रेट मैन का मतलब होता है कि ग्रेट मैन होते हुए, लेकिन यहाँ हम ऐसा सेंस नहीं देना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ग्रेट मैन बनने के बाद ऐसा हुआ। थर्ड नंबर पे आ जाइए, रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। अब फाउंड का मतलब तो जैसे पा लिया, और यहाँ पर हमें करना होगा फाउंडेड। फाउंडेड का मतलब है स्थापित किया। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को स्थापित किया, स्टेब्लिश किया, क्योंकि फाउंड का एक मीनिंग स्टेब्लिश करना यानी स्थापित करना भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप देखें। अच्छा, फाउंड की जो फॉर्म्स हैं वो होती हैं फाउंड, फाउंडेड एंड फाउंडेड। और दूसरा जो पैटर्न है वो है फाइंड, फाउंड एंड फाउंड। तो फाइंड का मतलब तो जो आप लाइक गेटिंग समथिंग, आप मिल रहा है, पा रहे हैं। और दूसरा जो है स्थापित करना। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप देखें, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड फोर्थ बाय विलियम कैक्सटन अ नेटिव ऑफ कैंट। तो यहां पर ऑप्शन डी यानी कि नोयर। अच्छा, कुछ लोग ने, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस इन करते हुए इसे कर रखा है सही, यानी ए को गलत बता रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंट्रोड्यूस के साथ में इनटू या टू का हम यूज करते हैं। तो टू आता है जब हम किसी पर्सन को या थिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मोहन वॉज इंट्रोड्यूस टू मी, तो इस तरह से मैं टू का यूज कर सकता हूं। लेकिन यहां पर किसी जगह जैसे इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इनटू का यूज यहां पर बिल्कुल ठीक है, इस पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। फिफ्थ नंबर का आप देखें, फ्रॉम 30 ईयर्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रॉम 30 ईयर्स, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम पीरियड ऑफ टाइम दिखाते हैं तो वो होना चाहिए 4:30, यानी कि या तो फोर या सिंस हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर 30 ईयर्स की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो फ्रॉम नहीं आना चाहिए, यहाँ पर फोर आना चाहिए, इसलिए पार्ट ए। सिक्स्थ में आप देख सकते हैं, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। तो हम देख सकते हैं यहां पर इफ वाला जो पार्ट है, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड, जिसे हम सबोर्डिनेट क्लोज कहते हैं, तो इफ वाले पार्ट में हम मॉडल का यूज नहीं करते हैं। अगर बात कंडीशनल की हो रही है तो इफ वाले पार्ट में मॉडल का यूज नहीं किया जाना चाहिए।
और यहां पर विल बी का यूज हो रहा है जो कि गलत है। यहां पर होना चाहिए रमेश इज प्रमोटेड, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। आगे ठीक है, ही विल गेट अ हायर सैलरी। सेवेंथ नंबर पे आते हैं, माय ब्रदर गोज टू द कॉफी 5 day week। अब 5 day week का मतलब तो हो गया 5 दिन का वीक, और हमें यहां पर क्या करना चाहिए, माय ब्रदर गोज टू द कॉफी 5 days a week। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अ वीक यानी एक वीक में 5 दिन वह कॉफी पीने के लिए जाता है। एट नंबर का जो क्वेश्चन है, आप देखें, इफ यू लेंड मोहन अ पेन। अच्छा, अब यहीं पर आप कंपेयर कर सकते हैं सिक्स्थ और एट्थ को। सिक्स्थ में और एट्थ में आप डिफरेंस देखिए कि इफ वाले में यहां पर मॉडल है, जबकि एट्थ में इफ वाले में यहां पर मॉडल नहीं है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो इफ क्लोज यानी कि जिसे हम सबॉर्डिनेट क्लोज कहते हैं, अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो सबॉर्डिनेट क्लोज में आपको मॉडल यूज नहीं करना है। तो इसलिए यहां पर ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ही विल लेंड इट टू समवन एल्स, ये भी ठीक है। जैसे आप देख रहे थे ही विल गेट, तो यहां पर ही विल लेंड का यूज हो रहा है, मॉडल इसमें यूज होता है मेन क्लोज में, यहां पर हो रहा है। और सी में आप देखें लिखा है नेवर यू विल गेट इट बैक, अब ये बिल्कुल गलत है। इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम लिखें नेवर विल यू गेट इट बैक, तो इसे हम कहेंगे इन्वर्जन। जब नेवर यानी कि नेगेटिव एडवर्ब पहले आ गया तो फिर सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी नेवर विल यू, यू विल नहीं, विल यू गेट इट बैक। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है कि नेवर जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो इसलिए हम कहेंगे एंड यू विल नेवर गेट इट बैक, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होना चाहिए। तो अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होना चाहिए तो विल के बाद क्यों, तो जब मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब भी अगर हो तो फिर उसका यूज जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। तो इसलिए यू विल नेवर यहां पर विल के बाद में और गेट के बीच में, गेट के पहले हम इसे यूज करेंगे। नाइन्थ नंबर नो एरर है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। ये आप ध्यान रखें कि वन ऑफ या सम ऑफ या नन ऑफ ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता है तो जो नाउन है वो प्लूरल आता है, तो हैबिट्स ठीक है। वन ऑफ यहाँ पर हो रहा है, मोस्ट के पहले डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, तो कहीं कोई एरर नहीं है, नो एरर है। टेंथ में आप देखें अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, तो अरेबिया का एक बड़ा हिस्सा, तो अरेबिया के पहले ध नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, अ ग्रेट पार्ट ठीक है और कहीं कोई एरर नहीं है, तो हम कह सकते हैं सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। अब जो अगला पार्ट है इसमें सिनोनिम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द, यानी आपको एक अंडरलाइन वर्ड यहां पर दिया हुआ है, उस अंडरलाइन वर्ड के जो भी सिमिलर मीनिंग वाले शब्द हैं, चार ऑप्शंस हैं, तो इसमें से जो सिमिलर मीनिंग देता है वो हमको यहां पर ढूंढना है। तो देखें, फर्स्ट वन, सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्च्यून इन द कोर्स ऑफ देयर थरोली हैप्पी लाइफ। तो यहां पर इसका मतलब हुआ जब अपनी थरोली हैप्पी लाइफ यानी पूर्णतः, थरोली मतलब कंप्लीटली हैप्पी लाइफ में लोग कोई स्मॉल मिसफॉर्च्यून यानी कि छोटा सा कोई दुर्भाग्य अगर उनकी लाइफ में वो एनकाउंटर करते हैं यानी कि फेस करते हैं, सामना करते हैं, तो लोग कंप्लेन करते हैं।
अब यहां पर एनकाउंटर का सिमिलर हमको चाहिए और जो कि है रन इनटू, यानी कि जब ऐसा कुछ उन्हें फेस करना पड़ता है। रन इनटू का मतलब कम अक्रॉस, अचानक कोई ऐसी चीज सामने आ जाना। तो रन इनटू यहां पर एनकाउंटर का सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है। रन अवे का मतलब भाग जाना, रन डाउन का मतलब कुचल देना, और रन विद कुछ लेकर के भाग जाना। तो इसलिए रन इनटू बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहां पर। इसी तरह से 12th जो है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, यानी ये दुनिया मिजरीज, प्रॉब्लम्स, समस्याओं से भरी हुई है। और अब यहां पर मिजरीज का सिनोनिम हमको चाहिए, तो आप ऑप्शन ए इंडिफरेंट लव, ऑप्शन बी परफेक्ट हैप्पीनेस, ऑप्शन सी ग्रेट सफरिंग, और ऑप्शन डी मॉडरेट सिंपथीज। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो मिजरीज का मतलब लव, हैप्पीनेस, ये आप समझ सकते हैं इनके मीनिंग। ग्रेट सफरिंग, सफरिंग ही इसका प्रॉपर मीनिंग है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा। 13th आप देखें, अ ग्लांस एट अ ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट, तो किसी सुंदर वस्तु को देखने पर या एक सुंदर वस्तु पर हमें ग्लांस नजर डालें तो हमें डिलाइट, खुशी मिलती है। तो डिलाइट, खुशी, हैप्पीनेस इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। बाकी तीन शब्दों के अर्थ आपको पता है। 14th नंबर पे हम आ जाते हैं, इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टार्वेशन। तो स्टार्वेशन का मतलब होता है भूख। अब स्टार्च आपको पता है पॉलीसेकेराइड होता है, साइंस के विद्यार्थी सब जानते हैं स्टार्च क्या है। और सिंपल शब्दों में कहूँ तो जैसे आलू, चावल, इनका जो पानी होता है, तो इसमें स्टार्च होता है जो ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एक सब्सटेंस होता है। स्टेपल का मतलब होता है चीफ, मेजर। जैसे हम बात करें स्टेपल फूड, तो स्टेपल फूड मतलब जैसे किसी जगह का जो मेन फूड है वो स्टेपल फूड हम कहते हैं। जैसे राजस्थानियों की हम बात करें तो दाल बाटी, बंगालीज की हम बात करें तो फिश एंड राइस, तो हम उसे स्टेपल फूड यानी कि वहाँ का मेन फूड कहते हैं। प्लेंटी यानी कि सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में, और हंगर स्टार्वेशन का यहाँ पर सिनोनिम है। इसी तरह से हम आ जाते हैं 15th पर, द यूनिवर्सिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी टू लुक इन टू द मैटर। तो मतलब यूनिवर्सिटी ने ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, ग्रीवेंस का मतलब होता है परेशानी या शिकायत, रिड्रेस करना यानी कि उसको दूर करना, उसको सही करना। तो अब यहां पर जो करेक्ट वर्ड होगा ग्रीवेंस के लिए वो है कंप्लेंट यानी कि शिकायत। तो शिकायत निस्तारण हम जो अगर हिंदी में बोले से रिड्रेसल करना यानी कि उसको दूर करना, तो ये इसका मीनिंग है। और डिप्रेशन आपको पता है, कंप्लेंट इसका जो करेक्ट मीनिंग है। अब्रेजन का मतलब होता है वेयर डाउन यानी कि स्क्रैच होना, स्क्रैप होना, घिसना, जैसे कि कहीं घिस करके चोट लग जाती है, वो अब्रेजन है। ग्रेटफुलनेस आपको पता है, थैंकफुलनेस। 16th नंबर पर हम आते हैं, लिखा है राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच। तो स्लैंडरस का मतलब होता है अब्यूजिव, लिबलस यानी कि जिसमें क्या हो, बुरे शब्द, गलत शब्द यूज किए गए हों, उसको हम बोलते हैं स्लैंडर, लिबल, कैलुमनी जो होता है, या हम सिंपल टर्म्स में कहें तो अपशब्द, बुरे शब्द कहना। तो बाकी जो वर्ड्स हैं जैसे प्रेजवर्दी, मॉडरेट, अब प्रेजवर्दी तो तारीफ के काबिल होता है, मॉडरेट साधारण, सामान्य, इंस्पायरिंग प्रेरणास्पद होता है, इंस्पायर करने वाला, ये सब आप हम जान सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसमें ए। 17th नंबर का हम देखें, सडनली द स्काई वॉज डार्कन्ड बाय अ जाइगेंटिक बर्ड। तो अचानक आसमान में एक विशाल, जाइगेंटिक का मतलब है विशाल, तो एक विशाल बर्ड ने स्काई को डार्क कर दिया, मतलब अंधेरा सा छा गया। तो विशाल के लिए यहाँ जो वर्ड है, विंग्ड, स्मॉल या टाइनी नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 18th,
टू अबॉलिश पॉवर्टी वुड बी टू डिस्ट्रॉय द सॉइल अपॉन विच मैनकाइंड प्रोड्यूसेस द वर्च्यूज कंडक्टिव टू हायर सिविलाइजेशन। तो अब यहां पर वैसे कंडक्टिव की जगह कंड्यूसिव होना चाहिए, लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार जो अबॉलिश है उसके लिए देखना है। तो अबॉलिश का मतलब होता है मिटा देना, डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, इरेडिकेट का मतलब बिल्कुल मिटा देना, नर्चर यानी फोस्टर पोषित करना, और असिमिलेट का मतलब होता है अब्जॉर्ब करना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है इरेडिकेट होगा। अब 19th नंबर का अगर हम देखें, द अरब्स हु आर नॉट इन द सिटीज लिव इन द डेजर्ट थ्रू आउट द ईयर शिफ्टिंग फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर। तो ओएसिस का मतलब जो रेगिस्तान में हमें पानी मिल जाता है या हरी भरी जगह पानी के आसपास, उसे हम ओएसिस कहते हैं। तो यहाँ पर सैंड बैंक, माउंट जून, ये कुछ भी करेक्ट नहीं है। स्प्रिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो पानी का एक छोटा सा झरना या पानी का एक छोटा सा सोर्स जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है वो स्प्रिंग है। माउंट यानी टीला, जून जो रेत, हवा से जो रेत का टीला बन जाता है उसे हम जून कहते हैं। सैंड बैंक भी इसी तरह से है। तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। इसी तरह से 20th नंबर का जो क्वेश्चन है, द वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के विभिन्न पहलू। तो अब यहाँ पर वेरियस के लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है सेवरल। बाकी जो तीन ऑप्शन है इनके मीनिंग्स आपको पता है और ये बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं हो सकते। अब सिनोनिम्स की तरह एंटोनिम्स यानी कि विलोम अपोजिट जिन्हें हम कहते हैं। तो अब कैसे होगा, जैसे अभी हम सिनोनिम्स फाइंड आउट कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हमें एंटोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। और देखें 21st, रमेश इज वेरी ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, सस्पिशियस, शेडी। यानी तीन तो हमको सिमिलर दिए हुए हैं और एक हमको अलग दिया हुआ है और वही हमारा आंसर है। तो ट्रस्टवर्दी यहाँ पर ड्यूबियस का उल्टा होगा, बाकी तीन सिमिलर हैं। तो चूज करना बिल्कुल आसान है। इसी तरह से डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज। तो अनमाइंडफुल का मतलब जिसे हम कह सकते हैं केयरलेस। अब केयरलेस, स्टुपिड और फैचुअस बिल्कुल एक जैसे हैं, जबकि विजिलेंट का मतलब होता है कॉशियस या अलर्ट, सावधान, सचेत। तो ये बिल्कुल एंटोनिम है, ये हमारा ऑप्शन है। 23rd, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्योरेबल डिजीज। अब क्योरेबल का मतलब है जिसका क्योर हो सके यानी जिसका इलाज हो सके। तो अब रीमेड जो ए ऑप्शन है जिसमें लिखा है रेमेडिएबल, तो रेमेडिएबल यानी जिसकी रेमेडी हो, ट्रीटेबल जिसको ट्रीट किया जा सके, ऑपरेबल जिसे ऑपरेट किया जा सके। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो टर्मिनल है यानी कि जो अंत की ओर बढ़ रही है, मतलब एंडिंग जो अब ठीक नहीं हो सकती, तो ऐसी डिजीज मतलब टर्मिनल जो है वो क्योरेबल का बिल्कुल एंटोनिम यहाँ पर हो सकता है, जो हार्मफुल है कहने का मतलब जो एंड की ओर ले जा रही है, दैट इज टर्मिनल। तो ही वॉज बॉर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे 24th। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, अच्छा। तो प्रोपिशियस यानी कि फेवरेबल, फॉर्चुनेट, ऑपरचून, ये तीनों जो हैं वो ऑस्पिशियस के बिल्कुल नियर अबाउट वर्ड्स हैं, सिमिलर हैं। ओमिनस का मतलब होता है कुछ बैड ओमन वाला, कुछ इविल ओमन वाला, पोर्टेंटस यानी अपशकुनकारी। तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ। 25th, इसी तरह से ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मोहन, यानी मोहन के प्रति उसके मन में क्या है, हॉस्टिलिटी।
मतलब हम कहें कि मोहन के प्रति उसके मन में दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। अब यहाँ पर जो वर्ड्स हैं एनिमोसिटी, बिलिजरेंस, मैलिस, इन तीनों का मतलब तो लगभग एक जैसा है। एनिमोसिटी शत्रुता ही होता है, बिलिजरेंस का मतलब भी शत्रुता होता है, मैलिस का मतलब इलविल, दुर्भावना, हैट्रेड, नफरत, ये सब होता है। फ्रेंडशिप यहाँ पर करेक्ट वर्ड है। 26th में आप देखेंगे हिज लाइफ इज रादर मोनोटोनस। अब मोनोटोनस का मतलब होता है निरस, जिसमें कैसा हो एक ही भाव, यानी कि लिस्टलेस, मैकेनिकल सा, तो उसे हम कहते हैं मोनोटोनस। अब यहाँ पर ड्रियरी, टेडियस, अनइवेंटफुल, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। डल जो हम कहें, उबाऊ, थकाऊ, एक्साइटिंग जो है वो इन तीनों से बिल्कुल अलग है और इसका अपोजिट है मोनोटोनस का। 27th में मैकबेथ, यहाँ MAE प्रिंट हो रहा है, वैसे MSE होना चाहिए। तो मैकबेथ एक नाटक है शेक्सपियर का लिखा हुआ, उसका टाइटल है और लिखा है मैकबेथ इज अ मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर। तो अब इसमें जो बाकी ऑप्शन है अबोमिनेबल यानी कि हेटफुल, घृणा के योग्य, तो रिपल्सिव, अबोमिनेबल, इसी तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर एबनॉक्शस, ये भी इस एक ही जगह ओ होना चाहिए क्योंकि एबनॉक्शस कोई वर्ड नहीं होता। तो अबनॉक्शस कहें, अबोमिनेबल कहें, अगली कहें, तीनों लगभग एक जैसे हैं। घृणास्पद, अगली का मतलब ऐसे होता है भद्दा, तो अट्रैक्टिव यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट अपोजिट हुआ। इसी तरह से 28th, द सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। तो सीरीन का मतलब होता है काम, क्वाइट, ट्रैंक्विल, शांति से भरा हुआ। तो अब उसके लिए अगर हम देखें प्लेसिड, ट्रैंक्विल, प्लीजिंग, ये ऑप्शन जो है ये तो सिमिलर हो जाते हैं। टर्बुलेंट यानी कि उथल पुथल वाला, अपहीवल वाला, तो ये होगा इसका करेक्ट एंटोनिम। 29th, लाइफ इज ट्रांजिएंट इन नेचर। अब ट्रांजिएंट का मतलब होता है ट्रांजिटरी, या हम कहें अल्पकालिक, क्षणभंगुर, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंटरी, ब्रीफ, जो यहाँ दिया हुआ है। हमें चाहिए अपोजिट जो कि है इटर्नल, इसका मतलब होता है शाश्वत, पेरेनियल, जो हमेशा चलता रहे, परमानेंट जो हो, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ। 30th है सोहन इज अ वेन पर्सन, मतलब घमंडी, तो एरोगेंट, प्राउड, कंसीटेड, ये जो है ये तो इसके सिनोनिम हुए। तो मॉडेस्ट जो हम कहें विनम्र, वो इसका करेक्ट अपोजिट होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इसका टाइप है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अब अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस याद है, मुहावरेदार अभिव्यक्तियां जो हैं वो याद हैं, तो हम इजीली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गेस चल सकता है लेकिन वो हमेशा काम नहीं आता है, गलती के चांसेस होते हैं, इसलिए जानकारी होना। और लॉजिकली डिड्यूस करना हमेशा सही और हेल्पफुल रहता है। तो अब जैसे हम फर्स्ट, 31st जो है वो है डार्क हॉर्स, और डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, मतलब जिसके बारे में, जिसकी योग्यता या स्किल्स के बारे में लोगों को पता ना हो। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट, मतलब जो एकदम से लोगों को चौंका देता है परफॉर्म करके, ऐसा पर्सन होता है डार्क हॉर्स। जैसे लिखा है अ पर्सन हु विंस अ रेस और कॉम्पिटिशन ऑल्दो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू। तो अब नेचुरल सी बात है कि ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पिटिशन या रेस जीत ले और जिसके बारे में किसी ने कोई अपेक्षा नहीं की हो, तो ऐसा पर्सन जिसके बारे में लोगों को पता ही ना हो, तो एक्सपेक्ट करना, अपेक्षा करना मुश्किल होता है और वो चौंकाने का काम करता है डार्क हॉर्स। शो स्टॉपर, 32nd, तो
अब 32nd जो शो स्टॉपर है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड। और शो स्टॉपर कैसे हुआ, कहने का मतलब जो एक तरह से क्या हो, लोग सांस थाम ले, ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा परफॉर्मेंस जिसमें लोग सांस थाम ले, लोगों की सांस अटक जाए, ऐसा कुछ हो, उसे हम शो स्टॉपर कहते हैं। कोई पर्सन जो ऐसा कोई परफॉर्म करे, वो शो स्टॉपर परफॉर्मर कहलाएगा। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है हर फन मौला। तो यहाँ पर समवन हु हैज मेनी स्किल्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन करके आता है। अब फाइट टूथ एंड नेल यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब फाइट टूथ एंड नेल जो है, आप इसमें कह सकते हैं क्वारल विद समवन, और सी आप कह सकते हैं टू ट्राई हार्ड टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, क्योंकि ये गेस करेंगे। अगर हम कहें टू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि फाइट टूथ एंड नेल जो है एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता है अचीवमेंट से, यानी कि कोई अचीवमेंट के लिए हम जी जान लगा दें, पूरी मेहनत करें, वो एग्जैक्टली फाइट टूथ एंड नेल होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि केवल गेस करने से काम नहीं चलता है, तो ये बात आपको समझनी होगी, नहीं तो कई सारे ऑप्शंस हमारे गलत हो सकते हैं और हम अननेसेसरीली मार्क्स लूज कर सकते हैं। 35th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी से, तो यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस पर हम आ जाते हैं। अब ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में आपको थोड़ा सा मैं एक पैटर्न, एक तरीका बताना चाहूंगा कि ये कैसे की जाती है। जैसे यहाँ पर आपको पहले और बाद का सेंटेंस दिया हुआ है, तो अब आपको ऑप्शन सीक्वेंस जो चूज करनी है वो ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा लॉजिकली अगर सोचें तो ये हमारे लिए क्वाइट इजी हो जाता है कि हम एक सीक्वेंस को प्रॉपरली और कम टाइम में अरेंज कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे वी डोंट नो व्हाट टू डू विद आर नॉलेज, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि नॉलेज की बात हो रही है, नॉलेज से क्या करें हमें नहीं पता, ऐसा लिखा है। तो S1 के बाद इनमें से क्या आ सकता है, हम अगर आप इनको ट्राई करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि S ही है यहां पर ऐसा जो सीधे हम कोरिलेट कर सकते हैं S1 से। तो S दिया है साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। अब S1 में हम कह रहे थे कि नॉलेज का क्या करें, और S में हम कह रहे हैं कि इस नॉलेज ने या साइंस ने हमें सुपर ह्यूमन पावर्स दी हैं, जिसे हम नहीं जानते कि कैसे, या हम जिसे प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। अब अगर हम अगला इसमें सीक्वेंस देखें, तो जिसमें एस के बाद पी आता है, बहुत लॉजिकली हम सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे यही आएगा। तो पी है फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आर मशीन्स। तो अब एस में हम बात कर रहे थे कि हम प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं अपनी पावर्स को, तो कैसे यूज नहीं कर रहे हैं उसी के बारे में लिखा हुआ है पी में, यानी कि एस और पी हम कहेंगे कि ये मैंडेटरी पेयर्स हैं, यानी एस के बाद पी ही आना चाहिए। अब ये पकड़ते ही हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गया, आप किसी भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एस और पी सीक्वेंस में नहीं है। इतना समझते ही बस हमारे लिए बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह से आप बाकी देख लें, एस पी के बाद आर, तो हम पी में बात कर रहे हैं कि हम मशीन्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आर है मशीन्स को प्रॉपरली फीड करना चाहिए, क्योंकि ऊपर हमने
मशीन्स की बात की है तो इसका मतलब मशीन से रिलेटेड ही कुछ हमें आगे बात करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली फीड करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए काम नहीं करेंगी, हमारा डिस्ट्रक्शन कोज करेंगी। और क्यों मैं आप देख सकते हैं मशीन्स के बिना, यानी सीक्वेंस मशीन की तीनों बिल्कुल अरेंज हो रही है, मशीन के बिना जीना मुश्किल है, और फिर S6 हम अरेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक लॉजिकल वे आपको हमेशा ढूंढना है, कनेक्टिंग लिंक आपको ढूंढना है, और उसी कनेक्टिंग लिंक का यूज करते हुए आपको सीक्वेंस अरेंज करनी है, नहीं तो एक जरा सी गलती से आपका पूरा गलत हो सकता है। तो ये आप समझें। 37th में आप देखें, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मॉरल, मटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रुइनेशन, और या हम कहें रुइन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। तो ब्रिटिश रूल ने इंडिया को बर्बाद किया है, कुल मिला के ये बात हो रही है। अगर हम इसके बाद लें टी, जो कि आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स, तो कितना लॉजिकली हम देख सकते हैं, ऊपर हमने बात की ब्रिटिश रूल की, और अब हम बात कर रहे हैं फिर दिस रूल। तो इसका मतलब दिस रूल कौन सा रूल, यानी कि इसके पहले बात होनी चाहिए दिस रूल की। तो अगर हम देखें S1 में हम बात कर रहे हैं, तो S1 और P बिल्कुल पक्का यहाँ पर रिलेट हो रहे हैं, तो P आ जाएगा, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पर। इसी तरह से S, और आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हम बात कर रहे थे कि मैं इस रूल को कर्ज मानता हूं, ऊपर हमने उस रूल की बात कर ली, फिर हम आगे भी उसी की बात कर रहे हैं कि मैं सिस्टम को, यानी जो सिस्टम है रूल का गवर्नमेंट का, मैं इसको डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। फिर हम कह रहे हैं सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, यानी कि विद्रोह करना मेरा रिलीजन बन चुका है। अब डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, विद्रोह करके। तो हम देख सकते हैं सेडिशन वाली बात आ रही है। और आर्स, फिर हम कहें आर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल, और फिर लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया है कि हमारी जो लड़ाई है वो नॉन वायलेंट है। तो बिल्कुल ठीक है, PSQR के अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे लॉजिकली हम अरेंज कर रहे हैं। अब 38 पर अगर हम आ जाएं, यहाँ पर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, एक सेंटेंस से, एक ही सेंटेंस के अलग अलग फ्रेजेस जो हैं, वर्ड फ्रेजेस, उनको अरेंज करना है। अब यहाँ पर आप देखें कि वर्ब क्या आ रही है, तो वर्ब दी हुई है इंजर्ड, और फिर शॉट डेड। तो शॉट डेड टू वर्कर्स, दो लोगों को मार दिया, इंजर कर दिया। तो अब इसका मतलब क्वेश्चन आता है, क्यों किया, किसने किया। अब किसने किया बोलते ही आप देख सकते हैं अनआइडेंटिफाइड गनमैन, यानी कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने इंजर किया और शूट किया। तो किसे किया, कहाँ किया, क्यों किया, बात यहीं पर अब मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गई है। आप देख सकते हैं QSR और फिर उसके बाद में P, अनआइडेंटिफाइड गनमैन शॉट डेड टू वर्कर्स एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग दी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। बिल्कुल नीटली अरेंज हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 39th में आप देख सकते हैं क्या, लिखा हुआ है बहुत इंटेंस पॉलिटिकल, यानी कि अब बहुत आ गया तो इसके साथ में एक और होना चाहिए। फिर बात हो रही है दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री, मतलब इसका इतिहास रहा है। तो इतिहास किस बात कर रहा है, दोनों जैसा यहाँ दे रहे हैं, तो फिर दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आराम से बात बन जाती। एंड आ रहा है तो एंड बोथ के साथ एंड आता ही है, तो इसलिए पेयरिंग हो जाएगी। तो QPSR,
क्यों है दिस स्टेट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बोथ इंटेंस पॉलिटिकल, यानी इसका इतिहास रहा है इंटेंस पॉलिटिकल एंड ऑफ सिंक्रेटिक अकम्पलिशमेंट्स, सॉरी रिलीजियस कंटेस्टेशन एंड ऑफ सिंक्रेटिक अकम्पलिशमेंट्स। सिंक्रेटिक का मतलब होगा सामंजस्यपूर्ण, तो इसका एक इतिहास रहा है, बड़े आराम से हम इसमें अरेंज कर सकते हैं। 40th और भी सिंपल है हमारे लिए, द फादर ऑल्सो, तो अब ये बिल्कुल क्लियर है कि द फादर से ही शुरू होना है। पी के बाद एस हम ले रहे हैं, द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन, मतलब इंसल्टेड, किस वजह से भाई, बाय द सिस्टम, क्यों, इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस, तो जस्टिस की खोज में, न्याय की खोज में फादर फील्स लेट डाउन, तो ये हमारा ऑर्डरिंग ऑफ हुआ। अब कॉम्प्रेंशन जो है मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसको पूरा पढ़ना डिस्कस करना ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं कॉम्प्रेंशन नहीं ले रहा हूँ। मैं आपके लिए अब अगला जो है फिल इन द ब्लैंक्स, इन पर आ रहा हूँ। सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, ऑप्शंस को समझना है, और फिर उसके बेसिस पर हमें ऑप्शंस मार्क करने हैं। आप देख सकते हैं 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 46 नंबर के क्वेश्चन में दिया है डैश फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन। इरोजन का मतलब आपको मीनिंग भी आना चाहिए। इरोजन का मतलब होता है सोइल जो हम इरोड करते हैं, मृदा अपरदन जिसे हम कहते हैं, मिट्टी जो कटती है। तो अब लीन फॉरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि इरोजन वो नहीं करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे। डेंस का मतलब जो घने होते हैं, तो वही इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पार्स मतलब स्कैंटी यानी कि कम, और टाइडी फॉरेस्ट का कोई मतलब यहाँ निकलता नहीं है, तो बी ऑप्शन। 47, थ्री पीपल वर अरेस्टेड एंड एन इलीगल आर्म्स यूनिट वॉज बस्टेड बाय द पुलिस इन अ रेड। तो अब हम बात कर रहे हैं, तीन लोगों को अरेस्ट किया, इलीगल आर्म्स यूनिट जो थी वो पुलिस ने अपने उसको ब्रेक किया, तो रिवील तो शो होना, सर्च ढूंढना, डिस्कवर ढूंढना, बस्टेड यहाँ पर अकेला ऐसा वर्ड है जो इसमें आ सकता है जिसका मतलब होता है ब्रेक करना, तो इलीगल आर्म्स यूनिट को पुलिस ने ब्रेक किया। 48 जो क्वेश्चन है, अ वुमेन गोट इन टू द कार एंड, अब एक महिला कार में गई, और अब हम कहें ड्रोव ऑफ यानी कि चली गई, चला करके ड्राइव करते हुए चली गई। ब्रोक डाउन यानी कि महिला ब्रेक डाउन हो गई, यानी कि जोर जोर से रोने लगना, कार में घुसी और रोने लग गई, अब ये क्या बात हुई भी। रोड इन यानी कि सवारी करना होता है, रोड इन लेकिन सवारी करते हुए आना, और ड्रोव इन मतलब ड्राइव करते हुए आना। तो अब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जो है वो ए ही हो सकता है, आप समझ चुके होंगे अभी तक। द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इन फैक्ट आई डैश इन द मिडल, यानी कि लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं था और वास्तव में मैं तो ऊंग रहा था, सो रहा था, झपकियां ले रहा था, नींद निकाल रहा था। तो शोड ऑफ, पुट ऑफ, प्लग्ड ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, बाकी आपको पता है, डोज ऑफ ऊंघना, नींद निकालना, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है। 50th नंबर जो है, द कॉप्स सस्पेक्ट मर्डर बाय किन, ये ऑप्शन ही करेक्ट है। द कॉप्स अफोर्ड, अगर हम गए तो अफोर्ड क्या करना है, अभी मर्डर को कैसे अफोर्ड करेंगे और क्यों करेंगे, और मैनेज तो भी कॉप्स ने मैनेज किया, ये भी मर्डर, वो भी हम नहीं कहेंगे, एडमिनिस्टर भी हम नहीं कह सकते, तो सस्पेक्ट यानी कि कॉप्स यानी पुलिस जो है वो किसी रिश्तेदार के द्वारा मर्डर को सस्पेक्ट कर रही है, संदेह कर रही है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आपको लॉजिक सप्लाई करना चाहिए, आपको रूल्स पता होने चाहिए, तो
जब ये सारी चीजें पता होती हैं और जब हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तब हम उन सारी चीजों को उस नॉलेज को प्रॉपरली यूज कर पाते हैं। अदरवाइज फिर हम गलत आंसर टिक करके आते हैं और हमारा आंसर जो है उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। पार्ट बी इसमें जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह से रिलेटेड है तो हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इंग्लिश का ये पार्ट होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई कमी या कोई प्रॉब्लम ऐसी आपको लगती है जो आपको समझ में नहीं आई, ऐसा कुछ जो आपको समझ में नहीं आया, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका जवाब आपको दूंगा। अगर किसी तरह की कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई किसी भी रीज़न से तो मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर या एक्सप्लेनेशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई में दे दूंगा। तो इसी तरह से मैं और कई सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा। एग्ज़ाम पैटर्न और दूसरे पेपर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।